पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक में अभी एक दिन का वक्त है और बैठक से पहले ही आपने पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को 2024 में पीएम का भावी उम्मीदवार बताया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाते नीतीश कुमार की फोटो लगाई गई है। पोस्टर लगाने वाले आप नेता का दावा है कि नीतीश कुमार 2 महीने के भीतर फिर पलटी मारेंगे। इस पोस्टर का जायजा लिया सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने। कल से पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। बैठक के पहले पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। एक तरफ स्वागत के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा पोस्टर लगाया जा रहा है, वहीं इसके विरोध में भाजपा के द्वारा पोस्टर से तंज किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस पोस्टर के बीच में आपको एक ऐसा पोस्टर दिखाते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पोस्टर लगाया गया है आपके द्वारा, आम आदमी पार्टी बिहार के द्वारा। और इसमें दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाते दिखाया गया है। और इस पोस्टर में कोटेशन है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास है। यानी एक तरफ इस विपक्षी पार्टियों की बैठक में आम आदमी पार्टी आ रही है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार आपने इस पोस्टर को लगाया है। सर क्यों ऐसा पोस्टर लगाया है, एक तरफ आपके नेता आ रहे हैं, दूसरी ओर आप भावी प्रधानमंत्री उनको ठहरा रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पे तंज कर रहे हैं, क्या कारण? पोस्टर में कोई गलत थोड़े ही सर, जो स्वभाव है नीतीश कुमार जी का, जो उनका चाल चलन रहा है, हरिवंश बाबू को आज तक कहाँ बने हुए हैं आप लोग पूछिए उनसे जाके। अगर भाजपा से वो हटे तो हरिवंश बाबू को हटाए क्यों नहीं, अभी भी सभापति उनका साथ में, अभी भी भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, कैसे इन पे हम भरोसा करें? तो इस सम्मेलन का मतलब क्या हुआ? सम्मेलन का मतलब हुआ अरविंद केजरीवाल जी बिहार आ रहे हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, वो समर्थन जुटाने बिहार आ रहे हैं। अच्छा, वो प्रधानमंत्री के? हाँ वो प्रधानमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार को लोग बता रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ एक आयोजक जो होता है, अच्छा सेवाकर्ता होता है, उस तरह से उस सेवा में है, सब लोग आए हैं, उनके यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, तो मेहमानबाजी का उनको भार सौंपा गया कि सबको खिलाने पिलाने का जिम्मा उनको दिया गया। लेकिन विपक्षी एकता के पहले आप तो विरोध है एक तरह से कर दिए आप। विपक्षी एकता की कहाँ बात, इसमें कहाँ भंग आपको दिख रही है विपक्षी एकता? भाई हमने स्वभाव, ये पोस्टर गलत है क्या, बैनर में ये जो चेहरा हम डिलीट करके बनाए क्या? अरे ये जालंधर की तस्वीर है, उसके बाद कई बार पलटी मारे आप भी जानते हैं। अरे इसको मैंने नहीं बनाया सर, वो है, आप देख लीजिए। आप लोग को लग रहा है क्या कि फिर पलटी मारेंगे? 2 महीना के अंदर मारेंगे, 15 अगस्त को फिर बिहार का दूसरा मुख्यमंत्री वहां जाकर के झंडा फहराएगा, निश्चिंत रहिए आप। एकदम गारंटी के साथ? एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, फिर मिलेंगे। तो देखिए साफ तौर पे जो आप एक तरफ विपक्षी पार्टी की बैठक हो रही है, वहीं आप में भी 2 गुट हो गए हैं। आपके जो बिहार के नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और एक पोस्टर भी लगा दिए हैं। फिर से एक बार आपको इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो दिखा रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है, अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री 2024 बताया गया है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है। और इस पोस्टर को लगाया है विकास कुमार ज्योति ने और पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास है। और साफ तौर पर आप नेता का कहना है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे और फिर से भाजपा में जाएंगे। अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए, पटना से।